एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8. व्हाट इज़ द नंबर. यदि आप कोई संख्या में से हाफ को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, माइनस कर देते हो, फिर जो आपके पास रिजल्ट आता है आप उसको हाफ से इंटू करते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, 1/8. ठीक है. लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का फर्स्ट क्वेश्चन है. ठीक है. सॉल्यूशन इसका है, बोल रहा है कि आपको कोई एक नंबर है. ठीक है. अब वन वेरिएबल की है तो हमें एक ही वेरिएबल कंसिडर करना है. तो हमने मान लिया वो नंबर क्या है जिसमें से हम हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है. वो नंबर हमारा क्या है, हमने मान लिया वो नंबर हमारा कितना है, x. बोल रहा है इस नंबर में से आपको क्या करना है, नाउ आपको हाफ में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है. इस नंबर में से आपको क्या करना है, 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है. फिर वो थर्ड स्टेप में बोलता है कि जब आप हाफ सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना, जो आपको रिजल्ट मिला ही हाफ सब्ट्रैक्ट करने के बाद वाला, उसको किससे इंटू करना है, आपको हाफ से इंटू करना है. जैसे ही आप ये चीज़ करते हो तो आपको आउटकम क्या मिलता है, आपको रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मतलब इक्वल्स टू में क्या आता है आपके पास, 1/8 आता है. तो आपको बोला है कि वो नंबर फाइंड करें कि वो नंबर क्या होगा, वो x की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये a है, ठीक है, एंड दिस इज b माइनस सी. आप चाहो तो इसको पहले लिख दीजिए आपको. ठीक है. तो आपके पास आउटकम आ जाएगा a इंटू बी प्लस इंटू प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस a इंटू सी ए सी. यानी आपको पहले हाफ को x से इंटू करना है. हाफ इंटू x कितना हो जाएगा, देखिए x बाय टू. ठीक है. हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस है तो माइनस का 1/4. और ये किसके इक्वल्स टू है, आपके 1/8 के इक्वल्स है. ठीक है. अब आपको x की वैल्यू निकालनी है. आपको ट्रांसपोर्टेशन करना आता है, पक्षांतरण करना आता है. आपको क्या करना है, नंबर को पहले नंबर की साइड ट्रांसपोज करना है, पक्षांतरण करना है. तो ये नेगेटिव वैल्यू राइट साइड आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. 4 और 8 का एलसीएम, 4 2 जा 8. देखिए एलसीएम में प्राइम आपके डिवीजन मेथड से हम एलसीएम लेके आपको बताते हैं. ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है. ये 2 1 जा 2, 4 2 जा 8. 8 एलसीएम आ गया. 8 की टेबल में 8 कितने टाइम से आता है, 1 टाइम. तो इसके न्यूमरेटर को 1 से इंटू कर दीजिए, 1 इंटू 1. 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स. तो इसके न्यूमरेटर को किससे इंटू करिए, 2 से इंटू करिए. ठीक है. इधर लेफ्ट साइड में आपके क्या चल रहा है, x बाय टू चल रहा है आपके लेफ्ट साइड में. तो x बाय टू इज इक्वल्स टू, सॉल्व किया, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 अपॉन 8. तो x बाय टू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 8 है. x बाय टू की वैल्यू है. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम फिर ट्रांसपोज करेंगे 2 को. 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो राइट साइड जाके क्या करेगा, इंटू करेगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. और न्यूमरेटर से जाके इंटू करके क्या बना दिया, 3 2 जा 6, 6 अपॉन 8. 6 अपॉन 8 को कॉमन फैक्टर हटा दीजिए आपके पास, सिंप्लीफाइड कर दीजिए इसको, सरल बना दीजिए. तो देखिए ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8. तो वो नंबर क्या था जिसमें से हमने हाफ सब्ट्रैक्ट करके हाफ से इंटू करके हमारे पास आउटकम कितना आया, 1/8. वो नंबर था 3/4. रिजल्ट चेक करने के लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं बच्चों, देखिए आपकी वैल्यू यहाँ पे, ये इक्वेशन थी ना आपकी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको पुट करना है. आपका आंसर आया 3/4, एक्स की जगह आपने 3/4 रखा, फिर उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट किया, फिर उस आउटकम को आप हाफ से इंटू करिए, आपके पास 1/8 आउटकम आ जाना चाहिए. चेक करते रहिए कि ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 और 4 का एलसीएम, 4, 4 की टेबल में 4 वन टाइम आता है तो 3 को 1 से इंटू किया तो 3 1 जा 3. 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आएगा तो इसके न्यूमरेटर 1 को किससे इंटू किया, 2 से, तो 2 1 जा 2. ठीक है. ये आउटकम आ गया आपका कितना, और हाफ से इंटू करना है इसको इसके बाद. तो देखिए ब्रैकेट में आपके पास आ गया 1/4. 1/4 को जब हाफ से इंटू करोगे तो 1 1 जा 1 1, और 4 2 जा 8. तो आपका आउटकम कितना आना चाहिए था, 1/8 आ रहा है. इसका मतलब जो x की वैल्यू अपने 3/4 निकाली है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154. आपको क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर
स्विमिंग पूल का, एक रेक्टेंगल आयताकार शेप का आपका है ना स्विमिंग पूल है, उसका परिमाप पेरीमीटर आपको गिवन है, कितना गिवन है 154 मीटर, ठीक है। उसकी लेंथ, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, जो उसकी लेंथ है ना उसकी ब्रेथ के 2 गुना के भी 2 ज़्यादा है। मतलब आपके जैसे अगर आपने ब्रेथ एक्स मानी है तो ब्रेथ का एक्स ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x। जब आप 2x में भी 2 जोड़ोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास लेंथ आ जाएगी। आप नंबर की फेम में समझना चाहते तो नंबर की फेम में समझाता हूँ आपको। जैसे आपने माना आपकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है मान लीजिए 15 मीटर है, ओके 15 का डबल करिए, ठीक है 15 का डबल कितना हुआ 30। जब आप 30 में 2 ऐड करोगे ना तो 32 जो आपका आंसर आएगा वो आपकी लेंथ होगी, ठीक है। इस तरह से मैं वेरिएबल की फॉर्म में इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ लेंथ ब्रेथ की वैल्यू नहीं है, ठीक है। नंबर की फॉर्म में ऐसे आपको एग्जांपल दिया है कोई, तो अभी बोल रहा है कि भाई ब्रेथ के ट्वाइस के भी तो ज़्यादा है लेंथ, तो आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्रेथ कंसिडर करना पड़ेगी क्योंकि ब्रेथ के रिस्पेक्ट में आपको लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसने क्योंकि आपको बोला है कि जो ब्रेथ के ट्वाइस के 2 मोर है लेंथ, तो ब्रेथ के रेस्पेक्ट में लेंथ निकलवा रहा है, तो ब्रेथ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, या यूनिट मीटर में चल रही पैरामीटर की, तो लेंथ ब्रेथ भी मीटर में ही आएगा, ठीक है। नाउ अब ये कह रहा है कि अब आप क्या करते हो लेंथ के लिए, क्या करते हो इस ब्रेथ का 2 टाइम्स करते हो, यानी 2 × x करते हो, और उसमें कितना ऐड कर देते हो 2 ऐड कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास लेंथ आ जाती है, ठीक है। तो अब आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, लेंथ ब्रेथ आपने निकाल ली है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखिए लेंथ की, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों भी वेरिएबल की फॉर्म में है और खुद ही अनसॉल्व है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में है ना क्योंकि, तो इसलिए वो आपको बड़ा ब्रैकेट फिर देन छोटे छोटे दोनों के, दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे हम लेंथ ब्रेथ को ये, और ओवरऑल जो आंसर मीटर में चल रहा है। पेरीमीटर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 154 मीटर, मैंने वैल्यू रख दी पेरीमीटर की, ये वैल्यू है और ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्रेशन है लेंथ ब्रेथ क्योंकि अननोन है ना, तो ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, राइट लेफ्ट साइड तो आपकी 154 मीटर ही चल रही है। यहाँ देखिए पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, 2x प्लस x, x वाली टर्म के साथ ऐड हो जाएगी है ना, और नंबर अलग से। तो देखिए इसको सॉल्व किया तो आपके पास ओवरऑल आ गया 3x प्लस 2, ठीक है। x की टर्म वेरिएबल वाली टर्म वेरिएबल के साथ लाइक टर्म थी, दोनों के वेरिएबल सेम है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपने इनको सॉल्व किया, देखिए कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फर्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ में लिया था, a इंटू b 3 × 2 = 6 6x, a इंटू c 2 × 2 कितना हो गया 4, और प्लस का साइन है दोनों का ही तो प्लस वैल्यू आएगी आपके, ठीक है। ये 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 154 आया, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड होगी तो हमारे ब्रेथ और लेंथ निकल पाएगा। तो देखिए 6x 4 को पहले ट्रांसपोज कर देंगे क्योंकि नंबर नंबर की साइड ट्रांसपोर्ट होगा, तो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया 154 माइनस 4 हो गया, तो 6x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 150। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, 6 यहाँ इंटू हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई 150/6। अब डिवाइड करते हैं, 6 × 2 = 12, 150 को डिवाइड कर रहे हैं, 6 × 2 = 12, 3 रिमाइंडर 3 और 0 = 30, 6 × 5 = 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25 मीटर। ये x क्या कंसीडर किया था आपने, ब्रेथ, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ चुका है, ब्रेथ आ चुकी है। अब हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी मानी थी हमने 2x + 2, लेंथ हमने कितनी कंसीडर करी थी 2x + 2, यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं 2 × x 2 × 25, फिर उसमें फिर 2 भी ऐड करना है हमें। तो देखिए 2 × 25 = 50, 50 + 2 = 52, तो लेंथ कितनी आ गई हमारी 52 मीटर। अब चेक करने के लिए कि ये दोनों जो आंसर निकले 25 और 52 करेक्ट है या नहीं है, या फॉर्मूले में आपका जो आंसर है वो 154 आ जाना चाहिए। देखिए 2 यह आंसर चेक करने के लिए, तो सिर्फ चेक करने के लिए, ये आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं, टू चेक योर आंसर, और ये आपके टू चेक योर आंसर आपको ये चीज़ करनी है। यहाँ पे ये जो आप चीज़ कर रहे हैं ना एंड में करना,
ठीक है, मैं यहाँ पे आपको किसी पेज पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था तो इसलिए दोबारा से रीराइट नहीं किया आपको आंसर चेक करने के लिए। जब आपका सारा पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा ना तो एक नीचे एक लाइन खींचिएगा और आंसर वेरीफिकेशन लिख दीजिएगा या चेकिंग ऑफ आंसर लिख दीजिए, जो भी आपको है ना इंग्लिश जैसे भी फ्रेम करनी है वैसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको रफ में करके बता रहा हूँ, ऐसा मत करिएगा एग्ज़ाम में इस तरह से। ठीक है, थोड़ा एग्ज़ाम में आपको वेल अप टू डेट करना चाहिए वर्क। तो ये देखिए यहाँ पे बस मैं आपको यहीं चेक करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ हम रख रहे हैं लेंथ की वैल्यू 52 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू 25 मीटर। ऐड करिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 77 देन इनटू हो जाएगा 2, 77 का ट्वाइस कितना हो गया आपका 154, और हमें क्या दिया हुआ था पेरीमीटर 154 ही तो दिया। इसका मतलब जो लेंथ ब्रेथ की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल क्या एकदम करेक्ट है। थैंक यू।